हेलो दोस्तों, अब हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताएंगे। और इस सीरीज की शुरुआत हम जम्मू एंड कश्मीर से करने जा रहे हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल द लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें। जम्मू एंड कश्मीर, जो भारत के नॉर्दर्न हिस्से में स्थित है, वो 2019 तक स्टेट था, लेकिन अगस्त 2019 में इसे यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित कश्मीर को दुनिया का जन्नत भी कहा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट पार्ट में लद्दाख है, साउथ में हिमाचल प्रदेश और पंजाब, साउथ वेस्ट में पाकिस्तान है और नॉर्थ वेस्टर्न में पाकिस्तानी एडमिनिस्टर्ड पोर्शन ऑफ कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर की दो कैपिटल्स हैं, समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू। जम्मू एंड कश्मीर 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया में फैला हुआ है और इसकी पॉपुलेशन 12,03,67,013 है। जम्मू कश्मीर में कल्चर और भाषा जगह जगह बदलती रहती है। वहाँ की पूरी पॉपुलेशन में से 2/3 पॉपुलेशन इस्लाम फॉलो करती है और बचे हुए 1/3 हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। और वहाँ पर स्मॉल प्रपोर्शंस में सिख और बुद्धिस्ट भी हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस उर्दू, इंग्लिश, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी वैलीज हैं, जैसे कश्मीर वैली, चेनाब वैली, सिंध वैली और लिद्दर वैली, जो बहुत सुंदर हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं, उनमें से कुछ फेमस हैं श्रीनगर, मुगल गार्डन्स, गुलमर्ग, पहलगाम, पटनी टॉप और जम्मू। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी और अमरनाथ टेम्पल भी हैं, जहाँ पे सैकड़ों लोग दर्शन करने आते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित गुलमर्ग पूरे इंडिया में सबसे पॉपुलर स्की रिजॉर्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे दुनिया का हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स भी है। जम्मू कश्मीर अपनी स्नीनिक ब्यूटी, फ्लावर गार्डन, एप्पल फार्म्स के लिए भी बहुत फेमस है और यहाँ के यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स और कश्मीरी शॉल्स वर्ल्ड फेमस हैं। जम्मू कश्मीर अलग अलग संस्कृतियों का एक मिश्रण है। मुस्लिम, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के लोगों ने राज्य की एक मिश्रित संस्कृति बनाई है, जिसे कश्मीरियत कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर की वेशभूषा उनकी कढ़ाई और जटिल डिजाइन के लिए जानी जाती है, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और परिदृश्य की समृद्धि को दर्शाती है। कपड़ों के रूप को क्षेत्र की ठंडी जलवायु का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। फेरन कश्मीरी महिलाओं के लिए प्रमुख पोशाक है। महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला फेरन आमतौर पर जरी, हेमलाइन पर कढ़ाई, जेब के आसपास और ज्यादातर कॉलर क्षेत्र पर होता है। वहाँ महिला गर्मी में सूट और बुर्का पसंद करती हैं और सर्दी में फेरन। जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्य रूप से शाकाहारी हैं, जो चावल, गेहूं और बीन्स का मुख्य भोजन करते हैं और वहाँ पर शहरों में भारी मात्रा में मटन का सेवन किया जाता है, लेकिन गांवों में सिर्फ उत्सव के तौर पर मटन का सेवन किया जाता है। कश्मीर की सर्दियों के दौरान कहवा के नाम से जानी जाने वाली मसालों और बादाम वाली पारंपरिक ग्रीन टी का सेवन किया जाता है। एक कश्मीरी भोजन कहवा के प्याले के साथ समाप्त होता है। जम्मू कश्मीर में बहुत तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ एग्रीकल्चरल ट्रेडिशन पे होते हैं और कुछ रिलीजन या माइथोलॉजी पे आधारित होते हैं।
अगर आप इन त्योहारों में हिस्सा लेंगे तो आपको यहाँ के ट्रेडिशंस और कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कुछ त्यौहार तो ऐसे हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही मनाए जाते हैं। नेशनल त्यौहार जैसे होली और दिवाली के साथ साथ जम्मू कश्मीर के खुद के लोकल त्यौहार भी होते हैं जिन्हें लोग बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। एक ऐसा ही त्यौहार है हेमिस त्यौहार, जिस पे स्टेट हॉलीडे होती है, जिससे कि प्रदेश के सारे लोग इस त्यौहार में हिस्सा ले सकें। कश्मीर में भारत के सबसे सुंदर ट्यूलिप गार्डन्स हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है, जब हजारों ट्यूलिप्स ब्लूम करते हैं। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसे देखने बहुत लोग आते हैं। दूसरा त्यौहार जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है वो है शिकारा फेस्टिवल, जो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए शुरू किया था। इन त्यौहारों के अलावा जम्मू कश्मीर में और भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, नवरात्रि, लोहड़ी, बैसाखी, रामनवमी और ईद। जम्मू कश्मीर के त्यौहार बहुत से टूरिस्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और एक अटूट बंधन बनाने में मदद करते हैं लोगों के बीच।